Hello students, good morning. Today I am going to teach you the second chapter of your English course book and the topic is Elephant Feast. This story is about the elephants. Elephants are very intelligent creatures. Elephants are very caring, protective and completely unselfish animals. So, we will read in this chapter about the elephant, how the elephants are caring, protective and unselfish. Now I am going to start the story. I will read the first part of the story and you have to read with me. The children snuggled up to grandma. It was story time and grandma had many interesting stories to share. बच्चों ने ग्रैंडमा से कहा जो उन्हें कुछ ऐसी स्टोरी सुनाए जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगे और वो शेयर करें उनसे स्टोरी. लेट अस वन ऑफ योर फॉरेस्ट स्टोरीज ग्रैंडमा सेड शेयर. शेयर ने कहा आप फॉरेस्ट स्टोरी में से कोई एक स्टोरी सुनाइए. यस सेड सादत. सादत ने भी कहा हाँ एक स्टोरी सुनाइए हमें टाइगर के बारे में. नो टेल अस वन ऑफ योर एलिफेंट स्टोरीज लाइक द वन अबाउट द न्यू बॉर्न एलिफेंट काफ दैट मेड यू फॉल और द वन अबाउट द वाइल्ड एलिफेंट दैट रब्ड इट्स बैक अगेंस्ट योर हाउस एंड यू थॉट इट वॉज एन अर्थक्वेक. वेर यू वेरी फ्राइटेन ग्रैंडमा. तो उसने कहा नहीं हम लोग को एक स्टोरी एलिफेंट स्टोरी सुनाइए जैसा कि न्यू बॉर्न बेबी कोई एलिफेंट है जो कि आपको गिरा दिया हो. नहीं तो एक ऐसा जंगली एलिफेंट के बारे में स्टोरी सुनाइए जो आपके घर को धक्का दिया और आपको ऐसा लगा कि अर्थक्वेक आ गया भूकंप आ गया. क्या आप डर गई थी ग्रैंडमा? ओ यस आई वॉज. वेल आई टेल यू एन एलिफेंट स्टोरी विच विल शो यू हाउ एलिफेंट how intelligent these animals are. They are also very organized and caring creatures. Oh yes, हाँ मैं तो डर गई थी. I was. अब मैं तुम्हें एक elephant story सुनाऊंगी जिसमें कि तुम्हें पता चलेगा जो elephant कितने ही intelligent animals होते हैं. Intelligent जानवर होते हैं वो और वो बहुत ही organized और caring भी होते हैं. लॉन्ग एगो वेन योर ग्रैंडपा वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर ही वॉज सेंट टू बेंगदुबी. इट इज अ फॉरेस्ट आउटपोस्ट नियर सिलीगुड़ी एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. दैट एरिया इज नोन एज द डोर्स विच मीन्स डोर्स टू द माउंटेन्स. ही वॉज सेंट देयर टू चेक ऑन वट द पीपुल लिविंग देयर कॉल द एलिफेंट मैनेस. बहुत समय पहले की बात है तुम्हारे ग्रैंडपा जो थे दादाजी एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्हें बेंगदुबी भेजा गया था और इट इज अ फॉरेस्ट आउटपोस्ट नियर सिलीगुड़ी. वो सिलीगुड़ी के बगल में आउटपोस्ट मीन्स होता है स्मॉल कैंप छोटा सा कैंप लगा था कैंप जैसे लगाते हैं कुछ लोग जाते हैं वहां पे. तो उस कैंप में सिलीगुड़ी के बगल में एक फॉरेस्ट था जहां कैंप लगी थी फुट इज हिट ऑफ द हिमालयाज. दैट एरिया इज नोन एज वैसे एरिया को हम लोग डोर्स बोलते हैं जिसका मतलब डोर टू द माउंटेन्स होता है. उन्हें वहां भेजा गया था चेक करने के लिए वहां के लोग जो रहते हैं जो लोग वहां रहते हैं उसे एलिफेंट मैनेस बोलते हैं. मैनेस मीन्स समवन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल. जो एलिफेंट के द्वारा वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. Wild elephants were wandering into rice fields and eating up the crops at night. The night guards tried to scare off the hungry beast, but the elephants were not so easily frightened. Your grandpa went out to inspect the place. He found that a large part of the forest had been cut down. Only a very narrow part of the old forest area remained, and the elephants lived there. Elephants need large spaces to live in. And they also need a lot of food. The people had taken these away. How would you feel if your home
was taken away and you didn't have enough to eat. Wild deer, वहाँ जंगली जानवर हमेशा wandering करते थे, घूमते रहते थे चावल के खेतों में और पूरे क्रॉप्स खा जाते थे. और रात में जो नाइट गार्ड रहते थे वो चाहते थे उनको डराना, लेकिन हंग्री बीस्ट भूखे जानवर जो हैं वो डरते नहीं थे आसानी से. तो तुम्हारे ग्रैंडपा उस जगह को इंस्पेक्ट करने के लिए गए थे. ही फाउंड दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैड बीन कट डाउन. उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत जंगल का बहुत सारा हिस्सा जो पेड़ है वो कट चुके हैं और थोड़ी सी फॉरेस्ट बची हुई है, थोड़े से पेड़ पौधे बचे हुए हैं जहाँ एलिफेंट्स रहते हैं. एलिफेंट्स को बहुत बड़ा स्पेस चाहिए रहने के लिए और बहुत सारे भोजन भी चाहिए. और लोग ये सब छीन चुके थे उनसे क्योंकि लोग पेड़ काटे जा रहे थे. हाउ वुड यू फील इफ योर होम वॉज टेकन अवे एंड यू डिंट हैव एनफ टू ईट. तो दादी माँ ने बच्चों से कहा, अगर तुम कैसा फील करोगे अगर तुम्हारा घर तुमसे छीन लिया जाए और तुम्हें खाने के लिए कुछ ना मिले. वेरी बैड ऑफ कोर्स, सेड सादत. सादत ने कहा बहुत बुरा, सचमुच में बुरा लगेगा. वेल द वाइल्ड एलिफेंट्स केप्ट गेटिंग हंग्रियर एंड हंग्रियर एंड दे ऑल्सो बिकेम एंग्री. अ हंग्री एनिमल इज एन एंग्री एनिमल. वंस दे इवन चेस्ड अ मैन डाउन द फॉरेस्ट रोड एंड ब्रोक द वॉल ऑफ अ हाउस इन सर्च ऑफ फूड फॉर द देयर लिटिल वंस. वेल वाइल्ड एलिफेंट्स बहुत भूखे रहने लगे, भूखे और भूखे भुखमरी का शिकार होने लगे और गुस्से में हो गए. एक भूखा जानवर जो होता है उसे तो गुस्सा आएगा, गुस्सैला जानवर हो जाएगा. एक बार जानवरों को अगर कोई आदमी छेड़े, चेज करे, तो वो फॉरेस्ट रोड की तरफ भागे और एक घर का दरवाजा, सॉरी, एक घर का दीवाल तोड़ दिए भोजन की खोज में. और अपने बच्चों को खिलाने के लिए एलिफेंट ने एक घर का दरवाजा तोड़ दिया. नाउ द सेकेंड पार्ट आई विल टीच यू इन सेकेंड वीडियो. थैंक यू.